अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुब्बा लेने के लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया जाना था तो गुस्ल करके तैयार हो जाता हूँ, फिर ऑटो में बैठकर सफर पर निकलने की दुआ पढ़ता हूँ। सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे कब्जे में दे दिया और उसकी कुदरत के बगैर हम इसे कब्जे में करने की कुदरत नहीं रखते थे, और यकीनन एक दिन हमें उसी की तरफ जाना है। तो हर एक चीज अल्लाह के ही कब्जे कुदरत में है। ये इंसान के बस की बात नहीं कि उसके हुक्म के बगैर, उसकी मदद के बगैर इंसान इन गाड़ियों को भी चला सके। अगर उसने हाथ न दिया होता, आँख न दी होती, जिस्म न दिया होता, अकल न दी होती, तो इंसान कैसे इन गाड़ियों को बनाता और इसे चलाता। तो हर एक चीज अल्लाह के ही कब्जे कुदरत में है। इतने में मैं अपनी मंजिल को पहुँच जाता हूँ, फिर ऑटो वाले चचा से प्यार और मोहब्बत के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत लेट हो गया था, अजान भी हो गई थी और इफ्तारी का टाइम भी हो गया था, तो मरकज में अल्लाह की दी गई नेमतों से इफ्तार करता हूँ। फिर आस्ताना महबूब इलाही में जाकर मगरिब की नमाज अदा करता हूँ। नमाज के बाद अल्लाह के वली की बारगाह में मीठा मीठा शरबत मिलता है जिसे पीकर दिल खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और ईशा के बाद जुब्बा खरीदने के लिए निकल जाता हूँ। अब आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अच्छा बनने के लिए ये कहते हैं कि फिलिस्तीन में लोग मुसीबत में हैं, तो इस बार हम ईद के कपड़े नहीं लेंगे। हालांकि वो कैमरे के पीछे कुछ और हैं और अपनी शॉपिंग करके खुद बैठ गए हैं। यही काम मैं भी कर सकता था, लेकिन आप लोगों की नजरों में अच्छा बनने से क्या होगा। अल्लाह तो सब जानता है और अल्लाह को ऐसे बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो दो चेहरे वाले हों, जो करते कुछ और हों और बताते कुछ और हों। लेकिन फिलिस्तीनी मुसलमानों का दर्द हर एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए, और दर्द का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मातम करें या अपनी जरूरियात को भी पूरी ना करें, बल्कि असल में आप फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद तो इस तरह से कर सकते हैं कि आप फजूल खर्ची ना करें और हर हाल में इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट करें, एक भी चीज इसराइल की यूज ना करें, और अपनी मालो दौलत के जरिए फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करें और हर वक्त फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करें। तो अगर आप ये सब काम करते हैं तो सचमुच आप फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे हैं, वरना सिर्फ सोशल मीडिया पर झूठा गम दिखाने से कुछ नहीं होगा। बल्कि अगर आप कुछ फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए करना चाहते हैं तो ये काम कम से कम जरूर करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है। अल्लाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करे। तो जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं, इसी वजह से अक्सर वीडियो में एक ही जैसे कपड़े आपको नजर आते होंगे। और हमारे 80% ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं जिन्हें सिर्फ साल में एक या दो कपड़े मिलते हैं, लेकिन वो इसी में कनाअत करके जिंदगी गुजार रहे हैं। और अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को नापसंद करता है और कनाअत करने वालों को, शुक्र करने वालों को पसंद करता है। फिर एक जुब्बा और एक सदरी खरीद लेता हूँ। फिर दोस्तों की फरमाइश पर हजरत निजामुद्दीन औलिया से जामा मस्जिद के लिए निकल जाता हूँ और बस पकड़ने के लिए जाता हूँ। फिर बस में बैठ जाता हूँ और जामा मस्जिद का सफर शुरू हो जाता है। सफर में अगर कोई साथी हो तो सफर आसान लगने लगता है, और अपने साथियों के साथ बातें करते करते ये सफर तय करता हूँ और रास्ते भर अल्लाह की कुदरत का नजारा करता रहता हूँ और नाते नबी गुनगुनाता रहता हूँ। बस का सफर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया से जामा मस्जिद ज्यादा दूर नहीं है, तो इस वजह से बस से ही जाता हूँ और इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे। इतने में मैं अपनी मंजिल को पहुँच जाता हूँ और जामा मस्जिद की तरफ बढ़ने लगता हूँ। तो रास्ते में एक सब्सक्राइबर मिलते हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत से सब्सक्राइबर मिले जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, और अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि उसने मेरी मोहब्बत आप लोगों के दिल में डाल दी। फिर जामा मस्जिद पहुंच जाता हूं। रमजान के आखिरी दिन चल रहे हैं और इसी वजह से जामा मस्जिद की रौनक ही अलग है। दिल्ली के हर इलाके के लोग यहाँ आए हुए हैं, मगर साथ ही साथ आज मुआशरा इतना खराब हो चुका है कि हमारी माँ बहने बेपर्दा घूम रही हैं और अल्लाह को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी वजह से वक्त और हर एक चीज से बरकत खत्म होती जा रही है और हम मुसलमान दुनिया भर में जलील होते जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद बदलना न चाहे, और आज हम बदलना ही नहीं चाहते बल्कि दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। खैर, जामा मस्जिद में क्या जायकेदार खाने मिल रहे हैं जिसे देख कर इंसान इसकी तरफ खींचा चला जाता है। तो सोचो जब दुनियावी खानों का ये हाल है तो जन्नती खानों का क्या हाल होगा। तो भूख भी बहुत तेज लग रही थी क्योंकि इफ्तार में भी ज्यादा कुछ खाया नहीं था। तो एक होटल में जाता हूँ और कुछ अल्लाह की नेमतें ऑर्डर करता हूँ। माशाल्लाह बैठने का इंतजाम बिल्कुल मुहज्जब है, बड़ा ही सुकून भरा माहौल है। इतने में खाना आ जाता है। फिर अल्लाह की अता करदा नेमतों का जायका
लेते हुए खाना शुरू कर देता हूँ। क्या शान है उस रब की जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा, हमारे खाने के लिए इतनी लजीज चीजों को पैदा किया, फिर इंसान को अकल दिया ताकि इंसान अल्लाह की अलग अलग नेमतों को मिलाकर कुछ जायकेदार खाना बना सके। फबियन, तो तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? फिर खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। तो कभी भी किसी की वीडियो देखकर या किसी की जिंदगी को देखकर मायूस मत होना और ये मत सोचना कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह के इन बंदों को देखो जिनके पास न हाथ है न पैर है न घर है और क्या ही कुछ नहीं है इनके पास जो आपके पास है। हमारे नबी फरमाते हैं कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो और हर हाल में शुक्र अदा करो। फिर ये चचा रोक लेते हैं तो इनसे प्यारो मोहब्बत के साथ मिलता हूँ और इनका हाल चाल पूछता हूँ, क्योंकि हर एक मुसलमान भाई भाई है, हमेशा सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, कभी भी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। ये बेचारे चचा किसी हादसे में अपना पैर खो चुके हैं, लेकिन इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि मैं मदरसे से फारिग हूँ और इमामत भी कर चुका हूँ और एक हादसे के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो हमने अपने इमामों का, अपने आलिमों का, दीन के रहबरों का, कायदों का, हाफिजों का, आलिमों का ये हाल बना दिया है जिनका हम ख्याल नहीं रखते। कम पैसे में हम इनसे दीन की खिदमत करवाते हैं जिससे इनका घर मुश्किल से चलता है। जब इनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो इनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि ये बैठे बैठे खा सके या अपना इलाज करा सके या अपने घर को चला सके। मजबूरन इन्हें लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और मुझसे जितना भी होता है मैं उसी के जरिए इनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के वास्ते दीन की खिदमत करने वाले इमाम, मुदर्रिस, हाफिज, आलिम की जरूरतों को समझे और उनकी हर एक चीज का ख्याल रखें और उनके साथ हमेशा खड़े रहें। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में।